fantasy and a dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. आप सबके बीच आमंत्रित करता हूँ एक ऐसे लीडर को जिनको मैं स्वयं पहली बार सुनूंगा और जानूंगा। बहुत सारे लोग उनको कई बार सुने होंगे, जाने होंगे, लेकिन आज उनको एक नए नजरिए और अंदाज से आप जरूर सुनिए और जानिए। तो आप सबके डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के बीच, आप सबके मुस्कुराते हुए खूबसूरत चेहरों के बीच मैं आमंत्रित करता हूँ रिस्पेक्टेड डॉक्टर ऋषिकेश देवनाथ सर को। सर प्लीज कम ऑन द डिजिटल स्टेज। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। जय श्री राम दोस्तों। और देवदत्ता शुक्ला जी, आपको बहुत बहुत बधाई हमको बुलाने के लिए। और इस प्लेटफॉर्म यूएस का प्लेटफॉर्म है, साउंड ठीक है, सही है सर? बिल्कुल सर, साउंड बहुत सही है, साउंड सही है जी। तो यूएस यूनिक एजुकेशन सिस्टम, एक एजुकेशन सिस्टम है जो एजुकेशन सिस्टम के द्वारा एक व्यक्ति को, आम व्यक्ति को खास व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयास लगातार बहुत दिन से चल रहा है। और इसके दौरान बहुत लोगों का अपना अपना भाग्यों को चेंज कर लिया है, व्यक्तित्व को चेंज किया कर लिया है, बहुत सक्सेस लोगों को मिला और आने वाला दिन में बहुत लोगों का सक्सेस मिलेगा। और इस प्लेटफॉर्म आप लोगों को वेलकम कर रहा है, नेक्स्ट दिन आप लोग भी आ सकते हैं इसमें यूएस एजुकेशन के थ्रू। तो मेरा अपना इनविटेशन है, परिचय, नाम डॉक्टर ऋषिकेश देवनाथ, रहने वाला कोलकाता। छोटा सा इंट्रोडक्शन इसलिए क्योंकि हम सबके साथ परिचित नहीं हो, इसलिए तो इस बिजनेस हमने स्टार्ट किया, आरसीएम बिजनेस स्टार्ट किया 2002 साल में, 21 साल ऑलरेडी कवर्ड। तो 21 साल का कुछ अपना अनुभव और जो एक्सपीरियंस और एजुकेशन यूएस के थ्रू और अपलाइन के द्वारा जो मिला, सभी को मेरा तरफ से प्रणाम और बहुत बहुत बधाई है। हम बहुत ही आभारी हो, जितना भी अपलाइंस है, मेरा स्पॉन्सर अपलाइन के अंदर जैसे रविशंकर राय जी है, अजय जी है, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के जैसे अवधेश कुमार सर है और विजय विरोधी सर है, राकेश शर्मा जी है, सुरेंद्र भट्ट जी है, मुकेश कोटारी जी है, प्रहलाद सर है, बीसी छाबरा जी है, केसी छाबरा जी है एंड सर्वपड़ी। इस सिस्टम का फाउंडर जो है किसी छाबरा जी को बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। और हम आभारी इसलिए हूँ और बहुत ही प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम मेरा उनको, क्योंकि लाइफ चेंज करने के लिए मास्टर है, जस्ट एक व्यक्ति नहीं, लाखों लाखों व्यक्ति का लाइफ को चेंज करने वाला जो मिशन का फाउंडेशन किया है किसी छाबरा जी ने, उनका जो एडुकेशन है, एडुकेशन के द्वारा जो भी अब तक आप लोग के सामने हो, इसका रिजल्ट ये है। तो अभी कुछ हम बात को बताएंगे, आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत में क्या क्या एक्सपीरियंस था मेरा आरसीएम लेके, शुरुआती दौर में आप लोग जानते हैं 2002 साल में आरसीएम के पास जस्ट 3 सेट का कपड़ा था, पैंट पीस और शर्ट पीस। वो पैंट पीस शर्ट पीस कपड़ा जब देखा, मेरा अपलाइन उसने ऑफर किया जो 1320 रुपया का, जो 25 रुपया का कपड़ा का बैग है कार्टून का, तो पेपर कार्टून में। तो उस टाइम में छोटा सा कैलकुलेशन हमने किया था, देखिए कपड़ा का जरूरत एक व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक जरूरत होता है। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ कपड़ा से, कपड़ा का जरूरत मेरा भी है, हर व्यक्ति का है। और जिस बिजनेस में भी ज्वाइन कर रहा हूं, इसमें कोई नुकसान का कोई बात नहीं है, पैसा दिया सामान मिल गया, जो चीज चीज में नुकसान का कोई संभावना नहीं है, उसमें ज्वाइन करने के लिए कोई चिंतन का जरूरत नहीं है, तुरंत ज्वाइन करना चाहिए। एक छोटा सा विश्वास के ऊपर हमने ज्वाइन किया आरसीएम बिजनेस 2002 साल में। तो उस टाइम में मेरे पास था रेलवे सर्विस, मेडिकल का है, रेलवे मेडिकल सर्विस में था, मालदा रेलवे हॉस्पिटल में।
तो उस टाइम में देखा तो मेरा कुछ और आगे कुछ बेहतरीन जिंदगी हो उसके लिए कुछ प्रयास था, इसलिए आरसीएम को जब मिला तब देखा जो एक बिजनेस बहुत आगे जाएगा। और धीरे धीरे बिजनेस के साथ जब और एक्सपीरियंस मिला अपलाइन के बदौलत, विजन को धीरे धीरे क्लियर होने लगा, तब देखा ये बिजनेस ऐसे एक बिजनेस है। देखिए हम रेलवे में काम करते हैं, 30 दिन हम ड्यूटी करते हैं, इसके बाद मास्टर रोल क्लियर होता है, इसके बाद पेमेंट होता है। तो इसको थोड़ा उल्टा तरीका से देखिए, हम रेलवे में ड्यूटी नहीं करेंगे 10 बजे से 5 बजे तक, तब मेरा मास्टर रोल तैयार नहीं होगा, मेरा सैलरी नहीं मिलेगा। लेकिन आरसीएम के अंदर वो पावर है जो पावर रेलवे सर्विस के अंदर हम दिखा नहीं। मेरा वाइफ वो भी स्टेट गवर्नमेंट का नौकरी करती थी, तो उसमें भी नहीं है क्योंकि काम करना पैसा कमाना, बस ड्यूटी करो पैसा मिलेगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आरसीएम के अंदर जो पावरफुल चीजें है वो है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी बोनस ऐसी बोनस है, आप काम कीजिए एक बार मिलेगा बार बार, आपका नेक्स्ट जेनरेशन तक एक सिक्योर्ड इनकम का रास्ता यहाँ से मिलेगा। तो जस्ट वो जो रॉयल्टी इनकम इसके ऊपर फोकस करके ये बिजनेस के अंदर हमने काम किया, शुरुआत किया काम, धीरे धीरे नॉलेज भी लिया, जैसे मेरा अपना अपलाइन के बारे में बताया, मीटिंग या जहां भी हो सेमिनार सब कुछ धीरे धीरे क्लियर करने लगा, विजन और क्लियर होने लगा। तो उस टाइम में टारगेट तो फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट था जो रॉयल्टी आ जाएगा तब कुछ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मेरा वाइफ का नाम में एक बिजनेस है जवा दीपनाथ, देखिए कोर लीडर के अंदर जवा दीपनाथ लिखा हुआ है मेरा वाइफ। तो वाइफ का जब रॉयल्टी आया और बिजनेस से जस्ट स्टेट गवर्नमेंट से मेरा वाइफ को रिजाइन करा दिया। तो देखिए टारगेट का बात है, कुछ पॉइंट हमने बताऊंगा ये होना चाहिए। आरसीएम के अंदर आपको कुछ मिलना है क्योंकि ये इसको कहा जाता है कल्पतरु वृक्ष, अब इसमें जो भी आपको चाहिए वो मिलेगा आरसीएम के अंदर। जस्ट इतना मान लीजिए 30 मिनट का डिस्कशन से हम क्लियर नहीं कर पाऊंगा कि इसमें क्या मिलेगा। पैसा तो चीज है, साइड इफेक्ट है, साथ ही साथ इतना सारी चीजें है जो बताना मुश्किल है सर। तो वाइफ का रिजाइन करा दिया रॉयल्टी के बाद, इसके बाद और एक टारगेट बनाया जो टारगेट है स्टार रूबी का। अब लोग के अंदर बहुत लोगों का वो टारगेट हो सकता है, होना चाहिए, आरसीएम करना है तो टारगेट होना चाहिए, गोल होना चाहिए। तो टारगेट मेरा था स्टार रूबी। जिस दिन स्टार रूबी आया जिस महीना में, उस महीने के नेक्स्ट महीना में हम बिहार का एप्लीकेशन दिया रेलवे को 2008 साल में। तो किसी तरह हमको बिहार नहीं मिल रहा था, उसको रिटर्न हो गया, फिर हेडक्वार्टर में फिर किया एप्लीकेशन, ये करके लास्ट ऑफ ऑल रेलवे से हम फाइनली जो बिहार हमको मिला जुलाई 2009 को। सर मेरा सर्विस 2027 साल तक है, था रिटायरमेंट 2027 साल, लेकिन बिहार ले लिया 2009 साल को, इतना दिन पहले। ये पावर है आरसीएम का, जस्ट आरसीएम को समझिए ये क्या है, ये जस्ट प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, तो इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है, उसके बारे में थोड़ा हम जानकारी देंगे। मेरे साथ अच्छा गार्जियन के रूप में रिस्पेक्टेड विजेंद्र सिंह राठौर जी भी है, उन्होंने कुछ बातचीत करेंगे लास्ट में। तो रेलवे से बिहार ले लिया, एक टारगेट के ऊपर काम किया। सर बिजनेस में आपको कुछ पाना है तो आपको टारगेट होना चाहिए, पर्टिकुलर टारगेट, जो टारगेट शॉर्ट टाइम भी होना चाहिए, शॉर्ट टाइम के बाद लॉन्ग टाइम का होना चाहिए, इसके बाद लॉन्ग टारगेट के होना चाहिए, इतना दिन के अंदर हमको ये टारगेट फिलअप करना है। तो टारगेट के ऊपर काम कीजिएगा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसमें हमने देखा टारगेट के ऊपर काम करके सक्सेस मिला, स्टार रूवे मिला 2008 साल में, और हम सर्विस से भी बाहर आ गया फुल टाइम आरसीएम इसके बाद, और टाइम मेरा अपना हाथ में। तो ये है आरसीएम का एक्सपीरियंस थोड़ा मेरा अपना। इसके बाद कैसे आरसीएम के अंदर आपको
नॉलेज मिलेगा, कैसे आप सक्सेस बनेंगे, उसके लिए कुछ पॉइंट तो हमने क्लियर करेंगे। तो वो पॉइंट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एंड पॉइंट को ब्रेन में लगा लीजिएगा, वो है, कभी डिलीट मत कीजिए, आपका माइंड सेट, आपका माइंड सेट होना चाहिए। माइंड सेट वो व्यक्ति का होता है जो जिस व्यक्ति का इस जिस चीज के ऊपर विश्वास होता है, 100% विश्वास होता है। विश्वास का डिग्री होता है, डिग्री के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तब उदाहरण सामने लाना पड़ेगा। देखिए, गॉड के प्रति, ईश्वर के प्रति हर व्यक्ति का विश्वास है, लगभग हर व्यक्ति का विश्वास है, लेकिन किसी व्यक्ति को आप देखिएगा ईश्वर को साधना करने के लिए उपवास रहते हैं, एक दिन पूरा दिन फास्टिंग कर लेते हैं। कोई व्यक्ति माइल से माइल किलोमीटर तक पैदल चला जाता है। कोई व्यक्ति देखा वृंदावन मथुरा और ये मिट्टी में ऐसे चलता है। देखिए कितना साधना, ये विश्वास है, विश्वास का डिग्री। और किसी व्यक्ति को देखिएगा वो अपना घर संसार अपना माता पिता को छोड़ के चला जाता है, पहाड़ में हिमालय में चला जाता है। ये क्या है, विश्वास का डिग्री। देखिए कितना आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे ही आरसीएम के अंदर आपका 100% विश्वास होगा तभी तो आपका इसके ऊपर माइंड सेट होगा। माइंड को सेट करना है, तो माइंड सेट होने के बाद ही आपको कुछ मिल सकता है। थोड़ा तो कैलकुलेशन कर लीजिए अपना दिमाग के अंदर, एक बार फीडबैक ले लीजिए अपना दिमाग का, हम जिस फील्ड के अंदर आप सक्सेस बना, अप टू डेट हो सकते हैं, सर्विस बिजनेस कोई भी चीज है, तो वहां से आपका इनकम आ रहा है, कारण क्या है, उस चीज के बारे में आपका 100% जानकारी है, इसलिए मिल रहा, और कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति आरसीएम में ज्वाइन किया लेकिन इनकम अपलाइन को बताते भाई इनकम नहीं मिल रहा, तो भाई देखिए आपका कमी क्या है। आरसीएम का जो सिस्टम है, सिस्टम 100% फॉलो किया, इसके ऊपर आपका विश्वास 100% आया है। खुद का विश्वास तो फर्स्ट टाइम आना चाहिए, इसके बाद तो बाहर का व्यक्ति है, तो फर्स्ट विश्वास आना चाहिए। विश्वास आने से ही आपका माइंडसेट होगा इसमें काम करने का, तभी आप इसमें सफल होंगे, क्योंकि आरसीएम बिजनेस एक मिशन के ऊपर चल रहा है, आप लोग जानते हैं। टीसी सर प्रणाम सर को एक बात, जैसे गुरुकुल अभी चल रहा है, अक्टूबर 2 तारीख से गुरुकुल चल रहा है सुबह 6:30 बजे से, उसमें देखिएगा वैल्यू बेस्ड एडुकेशन, इतना एडुकेशन उसमें खजाना है, जस्ट आपका परिवर्तन, आपका बेहतरीन जिंदगी के लिए। सर सुबह से लेकर पूरा के पूरा टाइम डेली व्यस्त रहता है, क्योंकि उनका एक ही टारगेट है, नया भारत का निर्माण, टू बिल्ड ए न्यू इंडिया, नया भारत का निर्माण के लिए। अब यह प्रश्न है भाई, पुराना भारत तो था, ये नया भारत चीज कहां से आया? देखिए पुराना भारत के अंदर क्या है, उसमें प्रैक्टिकली देखिए लोगों के पास स्वास्थ्य नहीं है। जितना भी मेडिकल साइंस का मेडिकल लाइन में 21 साल काम किया, डिफरेंट हॉस्पिटल में, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, कॉर्पोरेट सेक्टर का, मेरे पास अनुभव है। मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ रहा है, हेल्थ इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी क्या हुआ, एक मैं प्रत्येक घर में जाइए, कोई ऐसे घर नहीं है जिस घर में विदाउट मेडिसिन चल रहा है, कुछ ना कुछ बीमारी है। मेडिसिन इंडस्ट्री बढ़ रहा है इसलिए क्योंकि बीमारी भी बढ़ रहा है, और डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीजेस जो गांव के अंदर नहीं था, आज गांव के अंदर भी लाइफस्टाइल डिजीज आ गया है। इसके ये जो है पुराना भारत का कहानी, हर घर में कुछ ना कुछ बीमारी से लोग परेशानी है, कुछ ना कुछ डॉक्टर दिखाना पड़ता है, कुछ ना कुछ मेडिसिन लेना पड़ता है। वहां से मुक्त आने के लिए जो मिशन है, जो स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य दैट मीन्स हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए माननीय टीसी जी ये जो मिशन स्टार्ट किया है आरसीएम बिजनेस, बहुत बड़ा मिशन, स्वास्थ्य प्रोटेक्शन, आपके स्वास्थ्य के लिए।
सेकंड पुराना भारत के अंदर जो अभाव है वो है रोजगारी का अभाव। आज के डेट में देखिएगा कोई भी किसी भी व्यक्ति को आप बैठा दीजिए गद्दी में, लेकिन बेरोजगारी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे बेरोजगारी डे बाय डे बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, कीमती दैट मीन्स महंगाई डे बाय डे बढ़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि इसका स्टेटिस्टिक्स है ऑलरेडी। आप लोग गूगल में जाते हैं देख लीजिएगा, ये बढ़ेगा। लेकिन इसको सामना करने के लिए एकमात्र उपाय सॉल्यूशन है आपके घर में कुछ ना कुछ इनकम ना चाहिए। जो इनकम आपके पास आज का डेट में है वो इनकम और बढ़ाना चाहिए। लेकिन मौजूदा जो सिचुएशन है, आप जो भी कर रहा है, इस सिचुएशन में किसी का इनकम बढ़ाने का जो तरीका है बहुत कठिन। RCM ऐसे एक मिशन, ऐसे एक वरदान, ऐसे ऊपर वाला का एक वरदान का रूप में आया। अरे कम से कम कोई व्यक्ति अपने घर का नून और नमकीन खाए तो उनका घर में इनकम बढ़ेगा। दैट मीन्स स्वावलंबन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसका समाधान कि नया भारत तैयार का एक कदम। नेक्स्ट जो है और एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण देखिए आज का डेट में सर्विस होल्डर कितना जेंट्स में, मेल में है, कितना फीमेल में है, बहुत ही कम फीमेल सर्विस होल्डर है, रोजगार फीमेल के हाथ में कम है। और RCM बिजनेस ऐसे ही डिजाइन किया गया, फीमेल दैट मीन्स वोमेन्स का रोजगार बढ़ाने के लिए सिस्टम है RCM बिजनेस, क्योंकि घर का खरीदारी ज्यादातर फीमेल करते हैं, ज्यादातर वोमेन्स करते हैं, इसलिए महिलाओं के लिए रोजगार, महिला सशक्तिकरण के रूप में RCM बिजनेस ऊपर वाला के एक वरदान के रूप में आया। और साथ ही साथ इसके साथ आप लोग जानते हैं किसोल एक बहुत बड़ा एक्सटेंशन ऑफ महिला सशक्तिकरण का, उसमें बहुत महिला आज का डेट में इनकम तो कर रहा है, अपना व्यक्तित्व को बढ़ा रहा है, अपना लीडरशिप को बढ़ा रहा है, आपका पहचान को बढ़ा रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है किसोल के थ्रू। ये तीन चीज जब 100% होगा तब नया भारत का निर्माण होगा। ये सारे मिशन के ऊपर बिजनेस चल रहा है। ये मिशन को जो पहचान जाएगा, जो मिशन के ऊपर काम करना चाहते हैं, वो लोगों के लिए RCM बिजनेस, और RCM बिजनेस वो लोग के लिए जो अपना जिंदगी को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं। दैट मीन्स बेहतरीन जिंदगी के लिए RCM बिजनेस। तो नो डाउट आप लोग बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए प्रयास करेंगे, नो डाउट आपके पास RCM बिजनेस रूप एक महान कल्पतरु वृक्ष है, आप जो भी मांगेंगे वो आपके पास तथास्तु हो जाएगा, ये बिजनेस तो पावर है। लेकिन वो होने के लिए देखिए कुछ मेरे पास देवदत्त सर ये है स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन है। यस सर, आपके पास है स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन। तो कुछ स्क्रीन आप लोग के सामने हम शेयर कर रहा हूं, जो RCM एक मिशन रूपी चीज है, मिशन है, कि मिशन को इनवाइट कीजिए लोगों को मिशन में काम करने के लिए। बिजनेस एक हेडेक है। जैसे हम जब सर्विस में था, अब मेरे पास टाइम नहीं था, कोई व्यक्ति बता था भाई ये एक बिजनेस स्टार्ट करो, हमसे नहीं होता, हम साथ ही साथ मना कर देता भाई ये बिजनेस हमसे नहीं होगा क्योंकि परेशानी का चीज है। तो ये जो चीज है उस टाइम में हम समझा ये तो जस्ट बिजनेस नहीं है, इसमें अपना सामान खरीदना है, हम तो सामान खरीदते ही है, कहीं ना कहीं से हमको सामान खरीदना ही पड़ेगा। मेरा पिताजी पे खरीदा, मेरा पिताजी जी खरीदा, नाना जी खरीदा, सब खरीदा, हमको खरीदना पड़ेगा, आपका लड़का तो खरीदना पड़ेगा, वो विश्वास के ऊपर हमने ज्वाइन किया। और ये जो मिशन है, मिशन जस्ट अपना घर का परिवर्तन, स्वास्थ्य का परिवर्तन, हेल्थ प्रोटेक्शन के जो मिशन है, ये मिशन को थोड़ा समझाइए लोगों को, इजी होगा इसमें ज्वाइन करना। लोगों के पास एक प्रॉब्लम है आज का घर घर में जो है हेल्थ का, हेल्थ के ऊपर कोई व्यक्ति अपना हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं तो हम RCM का 100% सामान यूज करें, उसका रिजल्ट को देखे, रिजल्ट एक्चुअली मायना में नहीं होता, रिजल्ट देखिए इतना दिन तक हम लोग मिलावट दैट मीन्स
सिंथेटिक प्रोडक्ट हो, जो जो मिलावट प्रोडक्ट हो, ये सब इस्तेमाल किया मार्केट से, तो इसलिए कुछ ना कुछ नुकसान ऑलरेडी हम लोग का शरीर के अंदर हो गया है, ऑर्गन के अंदर हो गया है। तो आरसीएम का प्रोडक्ट जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, रिजल्ट मिलने से थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए कम से कम 6 महीना तक आरसीएम का 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करने दीजिए। वो व्यक्ति खुद बताएगा भाई क्या उनका बेनिफिट मिला आरसीएम प्रोडक्ट से। यहां से शुरुआत हुआ कंसिस्टेंसी प्लान, कम से कम 6 महीना तो टेस्ट कीजिए, अदरवाइज इसका रिजल्ट क्या है कैसे मालूम चलेगा। 6 महीना कम से कम जब ये प्रोडक्ट है, जब एक व्यक्ति इस्तेमाल करेगा आरसीएम का, उसको रिजल्ट शुरू कर देगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपना इनकम भी शुरुआत होगा। और सबसे बड़ा महिलाओं के लिए, महिला लोग ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करता है, खरीदारी करता है, वो लोग करे तो महिला का नाम पे इनकम आएगा, महिला दैट मीन्स वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा, जो इस देश के लिए, भारत के लिए बहुत जरूरी है, महिला सशक्तिकरण। सर आपकी स्लाइड सेम ही है, फर्स्ट स्लाइड ही सो हो रही है। अच्छा, स्लाइड दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आपने फर्स्ट स्लाइड दिखाया है वही दिख रहा है अभी। अच्छा अच्छा, वो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वाला हम कर देते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड के बाद और कुछ, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड आ गया ना। तो नेचर ऑफ आरसीएम बिजनेस, अभी बहुत लोगों का डर लगेगा कि आरसीएम बिजनेस कैसे है भाई। तो मेरे पास तो एक्सपीरियंस आप लोग के पास भी है, आरसीएम बिजनेस से शुरुआत में थोड़ा रॉकेट जैसे काम करना पड़ता है, स्पीड ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। पहले शुरुआती दौर में आप लोग जानते हैं बहुत भागदौड़ करना पड़ता है, अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना पड़ता है, इसलिए काम ज्यादा है। कुछ रेड कलर का जो दिया हुआ है साइड वाला, ये है वर्क, आपका वर्क ज्यादा है, ज्यादा है। लेकिन वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा जिनके पास धैर्य है, दैट मीन्स पेशेंस है, और आरसीएम बिजनेस का नेचर को जिनके पास क्लियर है। जो आरसीएम बिजनेस शुरुआत में बहुत काम है, इनकम बहुत कम, काम हो रहा है, होगा डे बाई डे, धीरे धीरे इनकम और बढ़ेगा, डे बाई डे इनका काम और घट जाएगा, लेकिन इनकम बढ़ेगा, डे बाई डे और इनकम बढ़ेगा, काम धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये नेचर ऑफ बिजनेस, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इस सिचुएशन तभी संभव जब सिस्टम के द्वारा आप काम करेंगे, सिस्टम के ऊपर काम करेंगे। सिस्टम के द्वारा जो ट्रेनिंग होता है, यूएस के द्वारा जो ट्रेनिंग होता है, यूएस का जो वीडियो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको थोड़ा देखिए, उसमें पूरा के पूरा सिस्टम के बारे में, 21 सिस्टम के बारे में दिखाया गया, 6 बेसिक है, जो कोर स्टेप और कार्डिनल्स, उसके बारे में जानकारी वहां से ले लीजिएगा, यूट्यूब में अवेलेबल है। तो इसके बाद फोकस बहुत इंपॉर्टेंट, जो पहले हम बताया, फोकस आपका होना चाहिए, किस टारगेट के ऊपर आप काम कर रहा है। टारगेट इस टाइप का लीजिए जो टारगेट अचीवेबल है। कोई व्यक्ति हम लोग देखा स्टेज में, मेरा डाउनलाइन से देखा, स्टेज में जब जाता है कहीं मेरा टारगेट टेक्निकल, अरे भाई उनका लीडरशिप तो पहले अनलॉग, लीडरशिप में अभी तक पहुंचा नहीं। तो रॉयल्टी टारगेट, अरे भाई रॉयल्टी टारगेट जब नहीं आता है, लोगों के सामने बता दिया, जब नहीं आया वो नेगेटिविटी उसके अंदर आ जाता है, वो बाहर हो जाता है सिस्टम से। इसलिए इसे टारगेट आप लीजिए जो अचीवेबल है, संभव है आपके लिए। इसलिए मेरा ख्याल से, मेरा अनुभव से, छोटा सा टारगेट कम से कम लीजिए ना, शॉर्ट टाइम टारगेट लीजिए। इतना दूर का टारगेट लेने की क्या जरूरत है, शॉर्ट टाइम। और मोर नंबर्स आपका नीचे, जितना भी ज्यादा से ज्यादा लोगों का टारगेट आप लगाएंगे, छोटा छोटा टारगेट, महागुरु बीसी छाबरा जी एक बात बताते हैं, तो टारगेट हो छोटा, बिजनेस होगा मोटा, इनकम आएगा मोटा। टारगेट हो छोटा, इनकम आएगा मोटा। तो टारगेट को छोटा कीजिए, नंबर को बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट में लाइए। और एक बात है, देखिए आज का डेट में जो भी हम लोग माइंडसेट करते हैं, जो हम लोग देखते हैं उसके ऊपर माइंडसेट करते हैं, विजुअलाइज, जो हम लोग विजुअलाइज करते हैं वो एक्चुअलाइज होता है हम लोग का लाइफ के अंदर। तो इसके लिए बहुत बड़ा मौका है, 26 तारीख को
27 तारीख को 28 नवंबर को दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम विजुअलाइज करने का अजीब चीज है जो 25,000 गैदरिंग का 3 दिन तक जो एनिवर्सरी हो रहा है वो देखने से आपको पता चलेगा जो कितना लोग उसमें अचीवमेंट लेके स्टेज में जा रहा है, कितना लोग इसमें कहां से कहां पहुंच किया है, वो लोग का एडुकेशन क्या है, वो लोग इस फील्ड से आया है, ये सब जब खूब देखेंगे तब आपका पता चलेगा आपका माइंड सेट के अंदर, आपका माइंड के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगा ये चीज हम भी कर सकते हैं, उससे बड़ा काम हम भी कर सकते हैं, आपके अंदर वो पावर आ जाएगा। इसके लिए दोस्तों जो आने वाला एनिवर्सरी 26-27-28 इंदिरा गांधी स्टेडियम उसमें नो डाउट अटेंड कीजिए, आपका जो विजुअलाइज कीजिएगा वो एक्चुअलाइज आपके लिए नेक्स्ट ईयर होगा, इस ईयर हुआ नहीं लेकिन नेक्स्ट ईयर आपके लिए इंतजार कर रहा है। तो कॉर्डियल इनविटेशन उस मीटिंग के लिए और माइंडसेट के लिए डेली हम लोग का महागुरु तो है ही है, हम लोग जानते हैं टीसी सर डेली जो डेली सुबह का माइंड प्रोग्रामिंग जो वर्कशॉप है वो वर्कशॉप में अटेंड कीजिए 6:30 बजे, क्योंकि यूनिक एडुकेशन ऐसे है वो व्यक्ति सक्सेस होता है जो एडुकेशन लेता है। सर का वो एडुकेशन में देखिए बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया जो सीखने का रवैया, जो व्यक्ति के अंदर सीखने का रवैया है वो सक्सेस होगा ही होगा। तो सीखने का रवैया जो व्यक्ति का है वो व्यक्ति सक्सेस होगा। इस सक्सेस यू आर चेंज ऑफ एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड आदत को चेंज करने के लिए टीसी सर डेली सुबह 6:30 बजे का प्रोग्राम माइंड से प्रोग्रामिंग वर्कशॉप कर रहा है उसमें अटेंड कराइए टीम को। देखिए अपना तो कुछ ना कुछ चेंजिंग आदत हो गया है लेकिन टीम को होना चाहिए, टीम का जब आदत चेंज होगा तब वो व्यक्ति काम करेगा आगे बढ़ेगा, आपका टीम आगे बढ़ेगा, क्योंकि बिजनेस अकेला का बिजनेस नहीं है जो अकेला माइंड सेट करके बैठा हुआ है घर में आपका इनकम आ जाएगा, नहीं सर आपका टीम से इनकम आएगा। अब टीम काम करेगा तभी इनकम आएगा, टीम उस मीटिंग में अटेंड करना है, टीम का आदत चेंज कराना है लेकिन आपसे नहीं होगा, वो थर्ड पार्टी का जो है जैसे टीसीसी का प्रोग्राम में भेजिए। और एक बात है एडुकेशन ऐसे होना चाहिए यूनिफॉर्म होना चाहिए, साहस होना चाहिए, डुप्लीकेबल होना चाहिए, एडुकेशनेबल होना चाहिए, सीखने का चीज होना चाहिए, वो प्रोग्राम है टीसी सर का यूनिफॉर्म एडुकेशन LUS यूनिफॉर्म एडुकेशन के लिए टीसी जी का प्रोग्राम, इसको मत भूलिए, इसको अटेंड कीजिए। नेक्स्ट गुरुकुल जो गुरुकुल प्रोग्राम 2 अक्टूबर से शुरुआत हुआ और मेनली हम प्रेशर ये देंगे सर आप लोगों को एक बार कष्ट करके 13 तारीख वाला अक्टूबर महीना का 13 तारीख वाला जो प्रोग्राम है गुरुकुल का प्रोग्राम वो यूट्यूब में वीडियो पड़ा हुआ है उसका एक बार रिपीट कर लीजिए, लोगों के पास कैसे हम लोग प्रेजेंट करेंगे RCM को इसके बारे में बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा तरीके से सामने बहुत ही ईजी तरीका से बताया, इसको प्रमोट कीजिए 13 अक्टूबर का जो गुरुकुल का प्रोग्राम आगे उसको और टीम को प्रमोट कीजिए। टीम जब ये एडुकेशन लेगा तभी आपका जो भी टारगेट आप ले रहा है वो टारगेट फिलअप होगा, क्योंकि आपका खुद का टारगेट से आप वहां जा नहीं पाएंगे, आपका टीम भी जाएगा तभी आप जाएंगे, आपका नीचे जो 2000 वाला बिजनेस कर रहा है जो 0 बिजनेस कर रहा है जस्ट ID लिया है वो 0 को हटाइए, कुछ ना कुछ खरीदारी में प्रेरित कीजिए, उसको समझाइए RCM बिजनेस का मेन उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य रक्षा, जो व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराया उसको समझाइए भाई आप RCM का प्रोडक्ट नहीं खाएंगे तो आपके स्वास्थ्य कैसे रक्षा होगा, RCM का प्रोडक्ट जो है आप बाहर का प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिक आप लेते हैं लेना ही पड़ता है, उसके बदला में आप RCM का प्रोडक्ट लीजिए, स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा, वो शुरुआत कीजिए, दैट मीन 0 हटाइए, एसोसिएट बायर 0 में जो है उसको हटाते रहिए,
हटाने के लिए अकेला का काम नहीं है, नीचे वाला टीम को थोड़ा प्रेरित कीजिए, नीचे वाला टीम का कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए, उनसे डेली कोई ना कोई व्यक्ति को, जीरो वाला व्यक्ति को कुछ ना कुछ खरीदारी में कन्वर्ट कीजिए। ऑलरेडी जो व्यक्ति कुछ खरीदारी कर रहा है वो व्यक्ति का खरीदारी ऑलरेडी हम जो रॉयल्टी एजीवन उनका नेट में दिखाई दे रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए जो 100 रुपये का खरीदारी कर रहा है उसको 500 रुपये करना है, 500 रुपये वाला को 2500, तो प्री डायमंड क्लब में कन्वर्ट करने के लिए प्रेरित कीजिए। अब तो बिजनेस कितना गुना आगे बढ़ेगा, क्योंकि 2500 बिजनेस है, इससे बिजनेस वॉल्यूम जो परचेज वॉल्यूम ऐसी छोटा सा परचेज वॉल्यूम है जो अपना घर का ऑल सामान लगभग छोटा सा फैमिली का ऑल सामान कवर हो जाता है। इसके लिए कम से कम प्री डायमंड क्लब को कवर कराइए, जो प्री डायमंड क्लब कर दिया है उसको डायमंड क्लब का जो बेनिफिट है 25 तरह बेनिफिट मिल रहा है डायमंड क्लब को, वो बेनिफिट के बारे में बताइए, उसको प्रमोशन देके डायमंड क्लब में ट्रांसफर कीजिए, प्रमोशन कराइए। जो डायमंड क्लब कर रहा है उसके लिए जैसे सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, ऐसे क्राउन क्लब, ऐसे बहुत कुछ है, वो कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते। जब आपका नीचे डायमंड क्लब शुरुआत होगा दैट मीन्स आपका नीचे बिजनेस लॉक करने का 10 तारीख के अंदर बिजनेस लॉक करने का तरीका आ जाएगा, और कंसिस्टेंसी का जो मामला है, कंसिस्टेंसी में जो बेनिफिट व्यक्ति को मिलेगा वो व्यक्ति 6 महीने के लिए फिक्स है, 6 महीने के बाद जो रिजल्ट उनको मिलेगा रिजल्ट से काम करेगा व्यक्ति, आपका बातों से काम नहीं करेगा, क्योंकि लोगों का मेन मोटिवेशन है अपना बेनिफिट। कोई व्यक्ति का अपना जेब में पैसा आएगा, बैंक खाता में पैसा आएगा, बेनिफिट मिलेगा तो आप ऑटोमेटिक काम शुरुआत करेगा, तो बहुत ही कम आपके लिए बचेगा काम करने का, क्योंकि वो व्यक्ति खुद मोटिवेटेड होगा आगे काम करेगा। और अभी जो ऑफर चल रहा है RCM, तो RCM के साथ कितना पार्टनर्स है आप लोग जानते हैं, की सोल है, सोल का कितना सारी ऑफर चल रहा है, कितना सारी बेनिफिट चल रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट, और न्यूटी चार्ट का बेनिफिट तो होता ही है बार बार, एक्स्ट्रा बेनिफिट RCM से बाहर बहुत कुछ दे रहा है अलग। इसके बाद होरिस संजीवनी है और गामा ओरिजिनल है, ये सभी प्रोडक्ट एक एक व्यक्ति का जो टारगेट, जो भी टारगेट लेगा उसके लिए काफी है, उसके बारे में क्लियर कट बताइए टीम के अंदर, उसको फैलाइए। That means follow up करने का सिस्टम, PCC एक बात को बहुत बार बताता है, वो फॉलो अप करना, That means सफलता का जो डायरी होता है, सफलता का अलार्म डायरी इसमें फॉलो अप करने के लिए बहुत ही एक कराइए टीम के अंदर, और फॉलो अप कीजिए, आपका बिजनेस आगे बढ़ जाएगा, आप जो भी टारगेट लेंगे वो अचीवेबल है, अचीव करेंगे। और आज साथ में गार्जियन के रूप में विजेंद्र सिंह राठौर जी है, देवदत्त जी है, उन्होंने आया है, अभी मेरी बात हुई है सर, और बहुत जल्द ही सर हमारे बीच उपस्थित होंगे। और तो क्या करें, हम आगे बढ़ाएंगे ना और क्लोज करेंगे मेरा बात को, देवदत्त जी सर, या कुछ लोगों के स्टेटमेंट ले लेते हैं तब तक, जब तक सर। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरा जो अपना जो एक्सपीरियंस और कुछ सुझाव हमने दिया अपना एक्सपीरियंस से, तो आशा है आप लोग इसमें नो डाउट आगे बढ़ेंगे। US का जो प्रोग्राम है YouTube में चल रहा है, एक एक लीडर का एक एक टाइप का जो एडुकेशन मोटिवेशन, ये देखते रहिए, और गुरुकुल का प्रोग्राम मस्ट। थैंक यू सो मच चार CM सभी को, फिर मिलेंगे। थैंक यू सर, और बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज सभी चीजों का समावेश किया है। आपने अपने जीवन के बारे में बताया कि आपने कैसे बिजनेस की शुरुआत की, और आप किस प्रोफेशन से थे, और आप जिस प्रोफेशन में होते हुए इस बिजनेस पे आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है सर कि दोनों, आप और आपकी मैडम दोनों एक ही प्रोफेशन पर होते हुए और इस बिजनेस पे रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। और आपने जिस तरीके से माइंडसेट और विश्वास के बारे में आज यहाँ पर कुछ चीजें हमको बताई कि इसके लिए 100% आपका विश्वास होना चाहिए कि
आरसीएम है और आरसीएम में सफलता प्राप्त हो सकती है। आपने कहा सर कि महंगाई बढ़ेगा लेकिन वर्तमान काम से हम इनकम बढ़ाना बड़ा मुश्किल है। आपने हमारे सभी उद्देश्यों के बारे में एक एक करके यहाँ पर संक्षिप्त और बहुत सटीक और बहुत अच्छी जानकारी दी। अपने एनिवर्सरी का महत्व हमको समझाया बताया और आपने सफलता के लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो सारी चीजें बताई। बहुत ही अच्छे शब्दों में, बहुत सटीक शब्दों में और बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा आज आपका। इसके लिए मैं यूनिक एजुकेशन सिस्टम के बिहाफ में आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल RCM The Dream World को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM The Dream World, Transforming Lives, Transforming India, Where Dreams Come True.